ड्रग जो है उसको ट्राई किया, ही फेल्ट अमेजिंग, हिज माइंड वॉज अबाउट टू ब्लो एंड ही वॉज अबाउट टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, बट ही डिडंट फ्लाई, ही फेल्ट दैट ओनली. ठीक है ना? तो कभी भी, दिस इज अ लेसन, आई विल टेल यू स्टोरी एंड लेसन फ्रॉम दैट क्लिप. ओके, सो द स्टोरी एंड द लर्निंग पॉइंट इज देयर, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी वन हु इज स्ट्रेंजर और फ्रेंड, बट यू डोंट नो वट इज दैट, एंड स्पेशली इफ ही प्रोमिस यू अनइमेजिनेबल. अल्लाह क्या बोलते हैं, आपको ख्वाब दिखाए, ख्याली पुलाव बनाया, वो बोलते हो यू विल बी सुपरमैन, देर इज नो रियलिटी इन दैट. सो बी केयरफुल, आपने किसी से कोई भी चीज नहीं लेनी. अब दूसरी बात यह आती है, वो बंदा आगे गया, लड़का, अब उसके जो दोस्त थे ना, वो क्या कहते थे, उनके कुछ दोस्त थे वो क्या पीते थे, हाँ क्या पीते थे, शराब. माशाल्लाह, गुड पॉइंट. और क्या क्या पता है आप लोगों को, मुझे पता चले ना आप लोगों को क्या क्या पता है. व्हाट यू गाइस नो, सिगरेट. और आजकल अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, वेप. इज देयर एनीवन ट्राइड वेप? गुड गुड, अहसन. ओके, उसने देखा कि उसके जो सराउंडिंग में दोस्त हैं वो लोग वेप पी रहे हैं. यू नो दिस इज, यू शुड चूज हु आर योर फ्रेंड. ठीक है ना? पहले कहते थे टेल मी व्हाट यू रीड, आई विल टेल यू हु यू आर. हाँ, देन दे हाइडगेट सेड टेल मी हाउ यू रीड, आई विल टेल यू हु यू आर. नाउ डेज आई से टेल मी हु इज योर फ्रेंड, आई विल टेल यू हु यू आर. ओके, सो बी केयरफुल, चूज अ गुड कंपनी. व्हाट हैपन टू दैट बॉय? ही वॉच्ड के यार मेरे जो दोस्त हैं वो वेप पी रहे हैं, एंड इट्स समहाउ वेरी कूल. यू वॉन्ट टू लुक कूल, यू हैव टू ट्राई दिस. यू वॉन्ट टू बी इन आवर कंपनी, यू हैव टू ट्राई दिस. यस और नॉट? दे आर पीयर प्रेशरिंग यू, यू आर, दे आर समहाउ अनकॉन्शियसली दे आर सेइंग टू यू डू इट ब्रो इफ यू वॉन्ट टू बी अ कूल अ मैचो मैन. सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस, इस चीजों से आपने बचना है. ठीक है? वेप, वो क्या बोलते हैं आजकल, नाउ दे आर मार्केटिंग वेप. हाउ दे आर मार्केटिंग? इट्स बेटर देन, इट्स नॉट हार्मफुल लाइक सिगरेट. यस और नॉट? दे आर से इट्स, एंड यू कैन हाइड इट, इट्स वेरी स्मॉल. माशा अल्लाह, वेरी गुड आंसर. व्हाट्स योर ब्यूटीफुल नेम? तानिया, शानिया, रानिया. माशा अल्लाह, रानिया आंसर्ड अ वेरी गुड आंसर. माशा अल्लाह, बट द वेप इज मोर हार्मफुल देन सिगरेट. यू नो दैट? हाँ, यू वॉन्ट मी टू टेल यू द स्टडीज अबाउट दैट, और यू बिलीव मी? हाँ, डोंट बिलीव मी, गो एंड डू रिसर्च वर्क. हाँ, वाई यू डोंट डू रिसर्च वर्क? हाँ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? माशाल्लाह, वेरी गुड याखी, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू डोंट डू वेप लाइक योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स इन पास्ट. सो बी केयरफुल फ्रॉम योर पास्ट एंड योर फ्यूचर फ्रेंड्स. तो उस लड़के ने क्या देखा कि उसके जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो वेप पी रहे हैं, और उसके साथी बोल रहे हैं यार तुम ये सिगरेट पियो. तो उन्होंने क्या किया, वो जो वेप है वो नहीं पी, या पिया, उसने पिया, ही ट्राइड इट वंस एंड दैट वंस टाइम किल्ड हिम. हम बोलते ना यार बस एक, जस्ट आई वॉन्ट टू चेक इट. हाँ, यू वॉन्ट टू चेक इट, बस वन वन एक, या एक ड्रिंक का एक सिप लगा लो, बस कोई मसला नहीं. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ड्रग एडिक्शन, दीज आर बेबी स्टेप्स. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान,
डोंट फॉलो स्टेप्स ऑफ शैतान. शैतान कम टू यू एंड ही ट्राई टू ब्यूटिफाई इट फॉर यू. ही ट्राई टू से शानिया और एनीवन एल्स, हाँ दिस इज वेरी, यू शुड ट्राई वंस, इट विल नॉट किल यू, इट विल नॉट हार्म यू, यू आर नॉट एडिक्ट, जस्ट ट्राई वंस. कभी भी आपने ट्राई नहीं करना, आपको अर्ज आएगी. यू वॉन्ट टू ट्राई इट यार, यू वॉन्ट टू बी कूल, यस और नॉट? एवरी वन वॉन्ट टू बी कूल यार. मैं भी चाहता हूँ मैं भी कूल हो जाऊँ, हाँ कूल मौलवी, क्या ख्याल है आपका? हाँ तो इसी तरह आपने कभी, यस बेटा, यस माशा अल्लाह, वी विल कम टू दैट, वी शुड फोकस मोर ऑन आवर स्टडीज. तो उन्होंने क्या किया, एक बार ट्राई किया, फिर एक टाइम आता है, क्योंकि ये जो वेप है ना इसमें निकोटीन होता है ना, और इसी तरह इसमें अननाउन 60 टाइप ऑफ टॉक्सिक स्टफ है इसमें, जिसका हम लोग को पता ही नहीं है. व्हाट आर दीज? कैन यू ईट फ्रॉम एनी ढाबा दैट यू डोंट नो व्हाट दे पुट इन इट? हाँ, व्हाई आखी? यू शुड ईट आखी. व्हाई यू डोंट ईट? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे पुट, यस और नॉट? बट हियर नो प्रॉब्लम आखी, ड्रिंक अ वीप, हाँ वेप, और गुलछड़े उड़ाओ, मजे उड़ाओ, शोखियां मारो, हाँ यू वॉन्ट टू शो ऑफ. सो बी केयर फ्रॉम अ बैड कंपनी, ठीक है. एंड तीसरी बात जो है, यस बेटा, दे हैवंट गुड, माशाल्लाह, व्हाट अ ऑब्जर्वेशन यार, ही इज वेरी स्मार्ट. ही इज सेइंग दैट देर आर सम टाइप ऑफ वेप दैट डजंट हैव एनी निकोटीन, बट आई टेल यू समथिंग एल्स आल्सो. व्हाट्स दैट? 60 टाइप ऑफ, यस, गुड बॉय, माशाल्लाह, गुड एडिशन. अब क्या होता है, वो जो बच्चा है ना, वो बड़ा होते जा रहा है और उसके साथ ही भी बड़े होते जा रहे हैं ना. आप बड़े होते तो साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बड़े होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार अब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए. यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा खतरनाक ही है, देर आर लॉट ऑफ फितना इन देयर. व्हाट दे ट्राइड, उन्होंने बोला या लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, एंड देर वॉज अ प्रेशर ऑफ ग्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, यस और नॉट? लॉट ऑफ प्रेशर दीज डेज, आवर पेरेंट्स पुट ऑन अस, यू हैव टू बी गुड ग्रेड्स, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर समवन कम फ्रॉम द ड्रग डीलर्स एंड दे से टू यू, अगर आपने ये खाया तो क्या होगा, गुड ग्रेड्स. दीज डेज देर इज अ टाइप ऑफ ड्रग, इट्स नेम इज, उसका नाम है आइस, बड़ा ही खतरनाक है ये, आपको आपके दिमाग के साथ है ना खेलती है. आप लोगों ने ये नाम याद रखना है, और इसके मुख्तलिफ नाम है, देर आर लॉट ऑफ टाइप्स, सो बी केयर फ्रॉम इट. हाँ, इन चीजों से आपने बच के रहना है. तो उसने क्या ट्राई किया, आइस. आइस से क्या होता है, आइस से आपको ये ना लगे इट्स लाइक आइसक्रीम, नो, ठीक है, इट्स टाइप ऑफ ड्रग. वो क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. दे ट्राई इट, दे ट्राई टू पुट इट आल्सो इन, देर इज अ टाइप ऑफ वेप दे पुट इन इट, उसको उसके अंदर भी डालते हैं, और इसको एज अ शीशा हुक्का, पता है आप लोगों को, वो भी पीते हैं, और इसी तरह उसको, यस दे स्मेल्ड इट, माशाल्लाह, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, गुड बॉय, ठीक है ना. एंड दे ट्राई टू स्मेल इट, सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस, ठीक है. तो अब उधर क्या होता है, आप जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको ग्रेड्स के लिए वो आपको ये पिलाते हैं, ये देते हैं, शुरू में फ्री में मिलता है, शुरू में फ्री में मिलता है, लेकिन फिर आपकी जान ले लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपसे पैसे लिए जाएंगे, डबल ट्रिपल. एंड इफ यू डोंट हैव मनी यू विल बी द ड्रग डीलर, यू नो दैट? सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस स्टफ. एंड एक और बात, इसके क्या मसाइल होते हैं पता है, यू विल फील डार्कनेस, एम्प्टीनेस,
यू विल फील दैट देर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ. यू विल बी लोनलीनेस. यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज ऑफ स्टिग्मा ऑफ दिस सोसाइटी. यू कैन नॉट टेल योर पेरेंट्स. बट इन रियलिटी आवर सम पेरेंट्स नीड पेरेंटिंग दीज डेज. हाँ, इधर पेरेंट्स नहीं है ना ये, वरना तो हम उनको कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें. बच्चा अगर आके आपको कहे ना, अब्बू जान मैंने आज देखा उधर दो भाई, दो दोस्त सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने मुझे दावत है खैर दी, हाँ एक इन्विटेशन कि यार ये तुम भी एक लगा लो, तो मैंने चेक किया. नॉर्मली व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर पेरेंट्स? हाँ वो तो उधर ठुड्डे मारेंगे फिर, हाँ आपके साथ रेसलिंग करेंगे. लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम व्हेन अ किड इज टेलिंग टू हिज पेरेंट, उनके ये रिएक्शन होना चाहिए कि सबसे पहले उनको हग करें, उनको हाँ व्हाई ही हैव टू. नाउ योर किड नीड योर लव बिकॉज मोर यू लव ही विल लिसन टू यू. बट व्हेन यू गिव हिम अ चमाटा, हाँ वो भाग जाएगा आपसे, है नहीं है? है नहीं है बिल्कुल. तो क्या होना चाहिए पेरेंट्स को? आपके साथ मोहब्बत का इजहार करें ताकि आप आके अब्बू को हर वो बात बताएं जो आपने की है. लेकिन हमारे वालिदैन, इंशाल्लाह हम किसी दिन आपके पेरेंट्स के साथ भी सेटिंग करेंगे. हाँ तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने डार्कनेस, एक फिलॉसफी में एक चीज़ है उसको बोलते हैं नाइलिज्म. पता है किसी को नाइलिज्म का? हाँ नो वन. हाँ गुड. नाइलिज्म मीन्स मीनिंगलेस लाइफ. देर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ. व्हेन समवन इज एडिक्ट टू द ड्रग, देर विल बी अ स्टेज ऑन द पीक ऑफ दैट यू विल फील व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग, Why I am this in this world, yaakhi? मेरा इस दुनिया में रहने का क्या फायदा है? Then some people try to what? Try to suicide them. Try to kill their self. Why? Because now. So because of that, आप लोगों ने, क्या आप में से कोई है जो चाहता है कि psychological तौर पर बीमार हो जाए? Do you want to feel the darkness? Do you want to feel the loneliness? Do you want to feel the pain which you cannot imagine? मैंने रिहैब का पता है आप लोगों को? हाँ, इधर जाते हैं ड्रग एडिक्ट जिनको हुए होते हैं ना, वो लोग उधर जाते हैं. उधर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो थर थर कांपते हैं. दे आस्क फॉर डेथ बट देर इज नो डेथ. दे आर इन दैट मच पेन. कैन यू इमेजिन दैट? यू कैन नॉट इमेजिन. और इसी तरह प्यारे बच्चों, इन अगर टाइम हो जाए मुझे बता दें, इसी तरह ड्रग के जो मसाइल में से एक मसला है वो क्या है? आपकी जिंदगी पर उसका बहुत बुरा असर है. Your future life, your career, your friends, your relative, they all are. सब आपसे भाग जाते हैं. एक बंदा था वो ड्रग अडिक्ट हो गया, इस तरह नशा ही हो गया. उसने घर से पैसे चोरी किए. Can you imagine that? Because now you want drug but you don't have money. What you will do? अम्मी अब्बू से चोरी करोगे? कितनी खतरनाक बात है. इससे भी खतरनाक बात है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताता. और इसी तरह एक बंदे ने जब इस तरह किया, उसके अपने घर वाले के साथ लड़ाई हो गई, उसके जो जॉब था वो जॉबलेस हो गया, उसके जो गुड कंपनी थे वो सब भाग गए उससे. क्या आप चाहते हैं जो आपके अच्छे दोस्त है वो आपसे भाग जाए? आपके पेरेंट्स आपको देख के फिटकारे, आपको बोले जाओ यार, हाँ? या आप चाहते हैं आप किसी जॉब में हो और आपको बोले जाओ यार, यू आर फायर्ड बिकॉज यू आर डूइंग ड्रग. या एंड ऑल्सो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यू नो
वी डोंट ओन दिस बॉडी. यू नो दैट हु ओन्स इट? अल्लाह. अल्लाह सेड इन कुरान इन्ना लिल्लाह. इन्ना लिल्लाह दैट्स मीन हम जो कुछ भी हमारे पास है या हम जो भी हैं ये अल्लाह का है. दिस इज अमानत ऑफ अल्लाह. अल्लाह अगर आपको कोई अमानत दे व्हाट यू विल डू? यू विल डिस्ट्रॉय इट. हाँ तो आप लोगों ने इस बॉडी की हिफाजत करनी है. और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वला तुल्कु बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो. क्या ये जो वेप है, सिगरेट है या ये जो नशा है इसका कोई फायदा है? देयर इज नो बेनिफिट. जो भी बेनिफिट वो बताते हैं इट्स फेक बेनिफिट. कैन यू इमेजिन जो बंदा एक बार आइस को चख लेता है वो चार दिन तक सो नहीं सकता. ही कैन नॉट स्लीप. और किस बात पे उसको वो आइस दिया जाता है? कि आपके ग्रेड अच्छे आएंगे. और आखिरी बात. जी बेटा. क्यों नहीं सो पाते? वेरी गुड क्वेश्चन. जी बेटा. बिकॉज ऑफ द पेन. एंड आल्सो आई विल एड गुड आंसर. वो ये है कि उसमें एक हाई अलर्ट केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एम्फीविटामिन. ठीक है, ये केमिकल है, आप सर्च करना. वो आपको अलर्ट कर देता है, आपको सोने नहीं देता. इसीलिए जो बच्चे रात को जाग के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके पास आके वो बोलते हैं रात भर नींद नहीं आएगी, इसको खा लो. सो बी केयरफुल फ्रॉम दैट. डे बेटा, वो आपके बॉडी में जाके रिएक्ट कर देता है. आपके जो स्लीप है ना, स्लीप को ख़त्म कर देता है. चार दिन तक आप सोना भी चाहो तो नींद नहीं आएगी. कितनी ख़तरनाक बात है. एक और बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये है अगर कोई इसमें मुब्तला हो जाता है या कोई इसमें ट्राई कर लेता है तो वो क्या करे? है ना, सॉल्यूशन की तरफ भी आना चाहिए. वो हमारे पास है, हम उनको सीधा कर देंगे. मजाक कर रहा हूँ. उसमें ये है कि देखिए, सबसे पहली बात है आप अपनी कंपनी चेंज करें. आपका जो माहौल है ना वो आपको क्या करता है? आपके ऊपर फ़र्क डालता है. और इसी तरह एक और बात, हमारा जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी वजह है. मेन रीजंस फ्रॉम द रीजंस ऑफ एडिक्शन इज आवर मीडिया इंडस्ट्री. कितने बच्चे हैं जिन्होंने ड्रामे और फिल्म देखे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड है ना, उसमें क्या दिखाते हैं? द हीरो, व्हाट इज हीरो डूइंग? ऑलवेज है ना स्मोकिंग. और जो उसमें जो बड़ा मैचो मैन होता है वो क्या करता है? सिगरेट पीता है. लेकिन उन्होंने नीचे एक डिस्क्लेमर डाला होता है ना, बट उसका कोई फायदा नहीं है, है ना. दैट मीन जो आप में से कोई हीरो बनना चाहता है या हीरोइन बनना चाहता है वो क्या करे? सिगरेट पिए. या जो सबसे बड़ा नशाई होता है वो डॉन होता है. हाँ, अगर आपने सबसे बड़ा बदमाश बनना है तो आपने क्या करना है? दिस इज इट्स कॉल्ड सबलिनिमल मैसेज. क्या कहते हैं इसको? Somehow it's unconsciously they are giving you the message that it's good, you have to do it if you want to be a hero. Yes, so be careful कि आप इन चीजों को देख के normalized हो जाए. जी बेटा. असल हो ना हो, what is the message? What is the message? There is a message. Always remember this. They are washing your brain without your consciousness. ठीक है ना. कभी कभी इंसान बोलता है देखने से क्या होता है ना, देखने से तो कुछ नहीं होता. नहीं होता है, सबसे ज्यादा देखने से होता है. और जो आपकी कंपनी है उससे भी होता है नहीं है? इसलिए आपको सोशल मीडिया वो चीज दिखाती है जो आप ज्यादा देखते हो, है ना. इन योर व्हेन यू आर स्क्रोलिंग दे शो यू व्हाट यू वॉच मोस्ट. तो इसलिए आप लोगों ने. जी बेटा. आए माशाल्लाह. व्हाट्स योर नेम? मेहरब. मीरब. माशाल्लाह मीरब. आस्क गुड क्वेश्चन. वो ये है
कि इन बिगिनिंग ऑफ दीज ड्रग्स यू विल फील गुड, यू फील इंजॉयबल समहाउ. इन द मिडल ऑफ दैट, एक जर्नी के बाद आपको थोड़ा सा वो उस तरह के पीक पे नहीं रहेंगे आप. लास्ट में ये हालत हो जाती है कि आप उसको छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते. वल्लाही इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट कि आप ड्रग एडिक्शन को बड़े आसान से छोड़ सके. सो फ्रॉम नाउ याखी, अरबी में एक मिसाल है, अल विकायतु खैरु मिन अल इलाज. हम अक्सर इंग्लिश मिसाल देते हैं ना, बट वी हैव टू गिव अरेबिक मिसाल आल्सो. हाँ, वी हैव टू प्रोमोट अरेबिक आल्सो. सो यू शुड नो याखी. क्या मिसाल बोल दी मैंने, किसी को याद नहीं है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बोलता तो सबको याद होती. हाँ, दिस इज आल्सो क्वेश्चनेबल. अल विकायतु खैरु मिन अल इलाज यानी डोंट डू ड्रग्स. गुड पॉइंट. इसका यह मतलब है कि आप किसी चीज में पढ़ने से पहले ही बच जाओ. यह जरूरी है कि आप यह सारी जर्नी में पढ़ो फिर निकलो. इसी तरह एक और आखिरी बात, वो मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब कौन हो, हु आर यू, वाई यू आर हियर, वट वी आर डूइंग एंड वेयर वी आर गोइंग. दीज आर बिगेस्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन लाइफ. वट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक दैट, कमिंग टू स्कूल एंड गोइंग एंड ईटिंग एंड बस दैट्स इट, एंड डूइंग जॉब एंड मेकिंग मनी. वट इज द पर्पज ऑफ लाइफ. हाँ, हु विल टेल मी. हाँ बेटा, माशाल्लाह, व्हाट्स योर गुड नेम, अली, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर बाय अली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, माशाल्लाह. यस बेटा, हाँ, टू बी अ गुड पर्सन, आल्सो गुड आंसर. व्हाट्स योर नेम, माहद, माशाल्लाह. यस बेटा, हाँ, प्रेयर्स, प्रेयर्स, माशाल्लाह. व्हाट इज योर ब्यूटीफुल नेम, ताहिरा, जहरा, माशाल्लाह. यस बेटा, reading Quran, mashallah. Anyone else want to add something? Yes, to obey Allah, mashallah. What's your name? Mahad. Mashallah, very beautiful answer. Yes beta, to talk to Allah. Yes, mashallah. Yes beta, mashallah, to do tasbih. Huh? Yes, to believe on him. Allahu Akbar. On Allah. Yes, worship Allah. Yes, to follow Islamic principle. MashaAllah. Okay, I'll tell you. Yes beta, aap bata do, chalo. Fasting. MashaAllah. I'll tell you. Allah Ta'ala said in Quran, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. मैंने इंसानों और जिन्नात को किस लिए पैदा किया है, पैसा कमाने के लिए, स्कूल में डिग्रियां लेने के लिए, हाँ, या पैसा बनाने के लिए? नहीं, लियाबुदून, ओनली फॉर हिज वर्शिप, ओनली. सो वी आर क्रिएचर ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं. ठीक है बेटा, तस्बीह भी करने आए तो ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि ड्रग एडिक्ट में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, उसको लगता है देर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ही इज इन पेन और ही इज गोइंग थ्रू अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड ही थिंक वाई इज देयर पेन इन दिस लाइफ. जैसे कि अली ने कहा, बताया कि दिस लाइफ इज व्हाट, इट्स नॉट अ हेवन, इट्स नॉट अ हेवन. ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट्स अ टेस्ट. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया थुम्मल अम्सलु फल अम्सल. सबसे ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स और पेन और तकलीफें और मुश्किलात और मसाइब और इब्तिलाआत किसको हुए पता है आपको, प्रॉफिट्स, आवर प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
सबसे ज्यादा अंबिया मुसीबतों में जेले हैं उन्होंने। सुम्मल अम्सल फल अम्सल, तो उनमें से जो जो अल्लाह के करीब होते हैं उतना उनका एग्जामिनेशन होता है। सो नाउ वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल, दिस वर्ल्ड इज आवर एग्जामिनेशन, द रिजल्ट्स विल बी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हम अल्लाह के बंदे हैं, दिस इज आवर पर्पज ऑफ लाइफ। यस दैट डजंट मीन यू डोंट मेक मनी, यू डोंट गो फॉर एजुकेशन, नो। आप पैसों को जेब में रखें, दिल में ना रखें। पैसों को, दुनिया को इस जूते के नोक पे रखें, दुनिया नाक रगड़ते हुए आपके पास आएगी। वल्लाहिल अज़ीम, हाँ, दीज डेज पीपल थिंक दैट द रियल सक्सेसफुल, द रियल हैप्पीनेस इज इन द मनी, यस और नॉट? वी ऑल आर चेजिंग मनी, somehow unconsciously we are worshipping money, huh? Hadith mein hai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmate hain, ta'isa 'abdud dinari wad dirham idha u'tiya radiya wa idha lam yu'ta sakhita, wo banda halak ho gaya, barbaad ho gaya jiska maqsad kya hai, 'abdud dinari wad dirham, पैसा दीनार और दिरहम की वो पुजारी करता है। जब उसको पैसा मिलता है वी फील हैप्पी, यस और नॉट? आई एम रिच किड, आई एम VIP, आई एम फ्रॉम DHA, हाँ, यस और नॉट? बट इफ इट्स नॉट विद यू, इफ यू डोंट हैव इट, ओ गुस्सा आ जाता है, जिन चढ़ जाता है नहीं? ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी नियामतें हैं ना आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, all these blessings we don't deserve it, you know that? Jitni bhi niamatein hain we don't deserve it, ye Allah ki karam hai, this is from his karam nawazi aur uska ehsaan hai ke usne humko ye nawaza hai. Agar usme se wo koi ek le le to kya hame gussa aana chahiye, ha, ya shikwa karna chahiye, why me Allah? See what you have, don't see what you don't have, ठीक है? तो आखिरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं भूलना, और ये भी जान लेना कि ये जिंदगी जन्नत नहीं है, हमेशा इब्तिलात, मुसीबतें और मसाइल पैदा होंगी, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट साइकोलॉजिकली, ठीक है ना? जिंदगी में बहुत ठोकरें पड़ेंगी, उसके लिए आप तैयार हो जाए। बाहर जंगल है, जंगल, दे आर रेडी टू, अपने शिकार के लिए रेडी है। तो आपने क्या बनना है? सन ऑफ लायन, डॉटर ऑफ लायन, ठीक है? तो ये है, तो कभी भी हार नहीं मानना जिंदगी से। जितनी भी मुसीबतें आए, मसाइल आए, आप अल्लाह पर तवक्कुल करके चले। आखिरी बात जो मैं खत्म करना चाहता हूं, बहुत लंबी होगी बात, है बता दिया करो यार मुझे, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अल्लाह, आई हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आई एम अब्द, गुलाम, अल्लाह का स्लेव, फकीर। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी से कोई गुनाह हो तो क्या करना चाहिए? हम भी है ना, गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, क्या करना चाहिए? तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा है, कैन यू इमेजिन? अल्लाह इज टॉकिंग टू यू, जिसने ये जमीन और आसमान बनाई है वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो ये नहीं बोलते बच्चा है, नहीं, आपसे मुखातिब है। ही इज सेइंग के ए मेरे बंदों, आए है, व्हाट अ ब्यूटीफुल निदा, अ कॉलिंग टू अ पर्सन, ये क्या अंदाज है, ए मेरे बंदों, अगर आप में से कोई गलती करता है, कोई अपने ऊपर ज्यादतियां करता है, गुनाहों में गर्क हो चुका है, ही इज इन द ओशन ऑफ सिंस, व्हाट शुड ही डू? यस, तौबा करें। तौबा का क्या मतलब है, कौन बताएगा? माफी मांगना। माफी करना मुश्किल है, माफी मांगना, हाँ,
लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। शैतान आपके पास आएगा, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर लाइफ, ही विल कम टू यू एंड ही विल से, ओ अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अली तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुमने तो इतने गुनाह कर लिए, तुमने ये कर लिया। लेकिन अल्लाह क्या है, बड़ा गफूर और रहीम है। यह हमेशा जहन में रखना, जब जब गुनाह हो अल्लाह की तरफ जाए, वल्लाह दिल को सुकून मिलेगा। इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा। एक और हदीस में है कि हदीस कुदसी कहते हैं इसको, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ क्या फरमाया, या इबादी लो अतैतनी بخطايا الارض يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا لغفرت لك ولا ابالي। ए इब्न आदम के औलाद, ए इब्न आदम के औलाद, ओ सन्स ऑफ आदम, अगर तुम इस दुनिया के बराबर भी गुनाह करके आओ और मेरे से ये कह दो कि या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मेरे से गलतियां हो गई, मैं तेरे सामने सर झुकाता हूं, अपने दिल को तेरे सामने पेश करता हूं, अल्लाह ताला माफ कर देगा। ठीक है ना, हमेशा ये जहन में रखना, और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। हाँ सब कहो आमीन। हाँ लगता है सब सो गए, मैं ही सिर्फ चीख रहा हूँ। हाँ चले, अल्लाह ताला से दुआगो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और मुसीबतों से बचाए। और आखिर में मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ यूथ मैटर्स के बारे में ना, ताकि आप लोगों को भी एक, अगर इजाज़त हो मैम की, यूथ मैटर्स इधर हमारा एक इदारा है करीब BHA फेज़ 5 के पास, इन फ्रंट ऑफ स्टेट लाइफ सोसाइटी। इसमें हम आप जैसे नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। आवर जॉब इज यू गाइस, वो क्या है कि हम आप लोगों के लिए उधर मुख्तलिफ लेक्चर्स रखते हैं। वी हैव सैटरडे संडे इस्लामिक स्कूल, ऑन संडे यू कैन कम फॉर 2 आवर्स एंड टेक सम गुड इंफॉर्मेशन। हाँ और इसी तरह हमारे पास है संडे के दिन तफसीर लेक्चर, और इसी तरह सैटरडे के दिन हम लोग जाते हैं बॉयज़ के लिए है एड्रेनलाइज के नाम से एक प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन का पता है आप लोगों को, हाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उधर, हम 2 घंटे के लिए खेलने कूदने जाते हैं। यस यू कैन कम ज्वाइन अस। हाँ और इसी तरह हम लोग उधर शाम को हिफ्ज भी करवाते हैं। हाँ तो आप में से कोई भी आना चाहे, हम उधर है, अगर किसी का कोई भी मसला हो, एनीथिंग पर्सनल प्रॉब्लम एनीथिंग, यू कैन कम टू अस। हाँ वी आर देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, और इसी तरह ये भी याद रखें कि आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी इंसान के ऊपर कुछ भी हालात गुजर सकते हैं। हमारे पास बहुत से आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के मसाइल लेके। हाँ अगर कभी आप चाहें कि आपके पेरेंट्स को हम कोई मैसेज पहुँचाएँ, हाँ वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, बारकल्ला फीकुम। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, असल में यह है कि बहुत सारी बातें हैं, बातें ख़त्म नहीं होती, बात यह है कि आप इन बातों पर अमल करें। हम लोगों का एक क्या मसला है पता है, हम लोग सुन सुन के सुन हो चुके हैं। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया, यानी हम लोग खलास, वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, बट वी डोंट एक्ट अपॉन इट, सो वी हैव टू एक्ट अपॉन दिस। बारकल्ला फीकुम। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।